मध्य प्रदेश के प्लंबर वारिस खान की इन दिनों खूब चर्चाएं तेज हो रही है। एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वारिस खान को 1 लाख का इनाम भी दिया और वीडियो कॉल पर बात भी की है। आइए जानते हैं कौन है ये वारिस खान, क्यों हो रही है उनकी इतनी चर्चाएं, सीएम मोहन यादव आखिर क्यों उनके फैन हो गए हैं, देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने वारिस खान पर लुटाया प्यार, जब मुख्यमंत्री मोहन ने वारिस खान को लगाया फोन, वीडियो कॉल पर बोले सीएम, वारिस तुम एमपी के गौरव। 7 लोगों को बचाने वाले बहादुर वारिस को मोहन का सलाम। कहते हैं इंसान की अच्छाई महकती है और अच्छाई किसी कद पद और योग्यता की मोहताज नहीं होती। गुरुवार को मध्य प्रदेश की फिजा में फैली एक ऐसी ही महक जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची तो राजधानी भोपाल और राजगढ़ के बीच दूरी शून्य हो गई। सीएम ने राजगढ़ जिले के दुर्घटना के शिकार हुए एक ही परिवार के 7 लोगों को बचाने के लिए जान लगाने वाले प्लंबर वारिस खान पर प्रेम लुटाने में कोई देर नहीं की। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है, वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है। ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। एक पास से गुजरने वाले शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए ये लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लंबर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, उन्होंने वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लाख उनने, अब चूंकि वो प्लंबिंग का काम उनको आता था तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों का अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो उनने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए के देने का इनाम की घोषणा भी की है। कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ कि दुख तकलीफ कष्ट में हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे। ऐसे लोगों से ही मध्य प्रदेश को गौरव मिलता है और हमारे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी नाम होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ब्यारा निवासी प्लंबर वारिस खान की बहादुरी से मुख्यमंत्री मोहन यादव इतना अभिभूत हुए कि वीडियो कॉल कर वारिस खान से उनका हाल जाना और उनकी बहादुरी के लिए खूब प्रशंसा की। शिवपुरी परिवार के 7 लोगों को बचाने के लिए वारिस को मध्य प्रदेश का गौरव बताया और प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। हाँ वारिस, आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर। अरे आप कहाँ से यात्रा कर रहे थे, गाड़ी में कहाँ घूम रहे थे? सर मैं बीना जा रहा था, काम करने। बीनागंज जा रहे थे? जी। जरा बताओ क्या हुई थी घटना पूरी? सर मैं बीनागंज जा रहा था, सवा ग्यारह ग्यारह बजे सवा ग्यारह बजे ही बात है। तो जा रहा था, ये गाड़ी में ना बहुत लगा है। ये तो आप गाड़ी में थे कि बाहर मोटरसाइकिल पे थे? नहीं सर, मैं मोटरसाइकिल। आप मोटरसाइकिल पे थे? अच्छा। आप बीनागंज जा रहे थे और गाड़ी पलटी एकदम से? अच्छा, बहुत अच्छा।
अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, आपने बड़ा काम किया। मैं आपको बधाई भी देता हूँ, और हमारे ऐसे जाबाज लोगों के कारण से ही एक बड़ी घटना में मदद मिली है। और चूंकि आप प्लम्बर का काम करते हैं, आपको कांच तोड़ के ये निकालना आता है। अच्छा, ये कार 4 पलटी खा के पलटी थी, और कितने 7 लोग थे अंदर। चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं बधाई देता हूँ आपको। और आपको मैं ये कलेक्टर को बोलूँगा, आपका एड्रेस मिलेगा तो कलेक्टर से मिलकर के आपका बैंक का अकाउंट देना है ना। हम आपको 1 लाख की मदद कर देते, थोड़ी सी आपको ध्यान रखे, ठीक है। हमारे अपने ऐसे कष्ट के समय में अपने को जरूर इस तरह से ध्यान देना चाहिए। 7 लोगों की जान बचाना ये बड़ी बात है, मेरी अपनी ओर से बधाई। दरअसल राजगढ़ जिले के एमबी रोड हाईवे पर गुरुवार को एक कार पलटकर खाई में गिर गई। कार में एक ही परिवार के कुल 7 लोग सवार थे, सभी की जान दांव पर लगी हुई थी। तभी वहां से अपनी बाइक से गुजर रहे प्लंबर वारिस खान किसी देवदूत की तरह आए और सड़क दुर्घटना के शिकार हुए परिवार के सभी 7 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वारिस खान ने दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे परिवार को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया और बंद कार से पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए चोट लगने की भी परवाह नहीं की। अपने हाथों से कार के शीशे तोड़े और एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर ले आए। वारिस खान की बहादुरी का किस्सा मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला तो वो भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।